हेलो माय टू फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रूटीन ब्लॉग में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज यहाँ से यहाँ पर हमने जो है थम्स अप कर लिया है। आपको लेकर आए थे यहाँ पर आम है और आम तो मैंने धो के रखे थे रात को, उनका सूख जाने उसके बाद रखे हुए सुबह पन्नी में। तो यहाँ पर हम पन्नी में भर करके रख रहे हैं। और ये पपीता है, इसको भी मैं टोकरी में रख के रख देती हूँ और फिर बनाते हैं बच्चों के लिए लंच। तो सब्जियाँ कुछ आती हैं तो इनको धो धा के रख देते हैं ताकि मतलब बच्चे भी खाते पीते सब्जी है या कुछ फल है इनको धो के रख देते हैं। बच्चे बार बार खाते हैं तो ये धोते नहीं हैं, इसलिए मैं पहले धो के रख देती हूँ। यहाँ पर हमने सब जो है धो धा के रख दी। इसके बाद यहाँ पर मैं छील रही हूँ प्याज व्याज। और आज हम जो है पनीर के पराठे बना रहे हैं दोस्तों। वो आपसे सब पूरी रेसिपी में शेयर करेंगे दोस्तों। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों। तो चलिए पहले तो यहाँ पर हम थोड़ा सा प्याज छील लेते हैं। तो प्याज व्याज छील के उसके बाद हम फिर जो बनाते हैं पराठे। तो मिर्ची बहुत लगती है, जब हम प्याज काटते हैं ना तो रोना ही आ जाता है। प्याज काटते समय सबको ऐसा ही लगता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी जो है मुझे ना तो यहाँ पर हमने काट लिया है और बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। और इसके बाद में फिर जो है बनाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस बिल्कुल सिंपल। और डालने के बाद उसको कुछ भी डाल देंगे, जैसे कि पत्ता गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्ची है, ये सब मिला के टमाटर वगैरह सब डाल सकते हैं। लेकिन इसमें हम सिंपल बना रहे हैं, वैसे भी बनाते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिंपल बना रहे हैं। और पनीर तो बच्चे खाते नहीं हैं तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पनीर खाए पर कैसे भी खाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर है ना पराठे बना रही हूँ। पराठे मतलब बहुत अच्छे से खा लेते हैं, इसमें कोई भी मतलब आनाकानी नहीं करते कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, पर आराम से खा लेते हैं। इसलिए मैं पनीर के पराठे बनाती हूँ। सब्जी बहुत कम खाती हूँ इसलिए। प्याज व्याज काट के रख दिया है, पनीर भी निकाल के रख दिया है इसमें। और तब तक हम जो है आटा छान के रख दिया और आटा को जो है हम गूंथ लेते हैं। उसके बाद में फिर हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे और फिर हम इसके जो है पराठे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हम नीचे बैठ जाते हैं और जब भी मैं आटा लगाती हूँ ना इसी तरीके से लगाती हूँ नीचे बैठ करके। इससे मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना, मेहनत से अच्छे जो आटा लग जाता है ना उसकी रोटियाँ अच्छी बनती है। पराठे भी जो भी बनाया ना एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, एकदम फूल जाती है। इस तरीके से आटा लगाती हूँ मैं जब भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर है ना थोड़ा सा लगा रही हूँ, तो मैं अभी एक ही हाथ से जो है गूंद रही हूँ। वैसे तो हम जब ज़्यादा आटा लगता है ना दोनों हाथ से गूंथती है अच्छे से बहुत ही टाइट तरीके से, तो आटा बहुत ही बढ़िया बन जाता है एकदम सॉफ्ट। तो इस तरीके जो है आटा मैं लगाती हूँ। यहाँ पर हम जो है झट से लगा के रख देती हूँ। बच्चों को अभी मैंने उठाया नहीं है, आटा लगा के रखती हूँ। उसके बाद हम जाती हूँ बच्चों को उठाने के लिए, फिर आके मैं बनाती हूँ यहाँ पर पराठे। तब तक जो है मैं झटपट से आटा लगा के रख देती हूँ। तो बच्चे भी अभी सो रहे हैं, अभी 5:45 का टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो मैं उठ जाती हूँ, आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी, मतलब अलार्म मैंने 5 बजे का लगवाया है। तो 5 बजे नींद तो खुल गई लेकिन उठ नहीं पाए, तो मैं 5:30 बजे उठी। उसके बाद में फिर मैंने सब काम वाम करके और फिर मैं बनाने लगी पराठे। यहाँ पर मेरा आटा देखिए लग गया है और अब हम जो है इसकी स्टफिंग बनाते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल भी निकाल के रख दिया है। ये देखिए मैंने जो है जो इसकी स्टफिंग बनानी है, प्याज एक प्याज तो मैंने खूब सारा लिया और एक पनीर का पीस है। और इसमें हम थोड़ी सी पहले हरी धनिया काट लेते हैं, उसके बाद में फिर जो पनीर को फोड़ते हैं। पनीर को मतलब ग्रेट करना है तो कर सकते हैं, वैसे हम इसी तरीके से फोड़ के ही बनाते हैं। इस तरीके से जब फोड़ लेते हैं ना तो अच्छा लगता है और वैसे एकदम बारीक हो जाता है, ऐसे रहना थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से रखती हूँ। यहाँ पर हमने सब जो है फोड़ लिया पूरा पनीर को और सब चीज़ मैंने फोड़ के इसमें मैंने जो मेरा मसाला है वो इसमें मैंने डाल दिया है। मसाले को डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्ची नहीं डाली, बच्चे खाते नहीं है इसलिए मैंने हरी मिर्ची इसमें नहीं डाली है, निकाल देते हैं तो इसलिए। और मैंने जो मेरा मसाला पीस कर रखा था बस वही डाल देती हूँ। और इसमें सब कुछ है, इसमें मुझे अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसमें सब डाल के इसके बाद चलिए झटपट से बनाते हैं पराठे।
बच्चों को मैंने उठा दिया था, बीच में बच्चे उठ गए हैं और बच्चे गए हैं फ्रेश होने के लिए। तो मैं यहाँ पर झटपट से बना के और पराठे ठंडे कर देती हूँ। टिफ़िन में भी रखना होता है, खाते भी हैं, तो इसलिए थोड़े से ठंडे कर देती हूँ टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर मैं झटपट से बना लूँ इससे, जैसे कि दोस्तों अगर पनीर के पराठे बनाते हैं ना, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई कैसे भी, कोई कैसे, सबके तरीका अलग होता है बनाने का। मेरा भी तरीका थोड़ा सा शायद सबसे मिलता जुलता हो या फिर अलग हो, मुझे तो पता नहीं, पर मैंने अभी किसी का देखा नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम अपने तरीके से बना रही हूँ पराठे, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। पनीर के पराठे मैंने इस तरीके से बनाए थे दोस्तों। चलिए झटपट से बनाते हैं, ठंडे करते हैं और तो देखिए पनीर के पराठे इस तरीके से बनते हैं। सच में बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार ज़रूर बनाएगा मेरे तरीके से। अगर अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों कि कैसे लगे आप सभी को पराठे। चलिए यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से सेक देते हैं और देखने में जितने अच्छे लगते हैं उतने खाने में भी अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। यहाँ पर सारे पराठे बन गए, यहाँ पर मैंने ठंडे कर दिए बच्चों के लिए। जैसे बच्चे आ रहे होंगे उनको जो टिफिन को लगा के पहले स्कूल भेज देती हूँ, फिर करती हूँ दूसरा काम। यहाँ पर हम सारा काम करके आ गए, अच्छा पानी भर के लाए और उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा कर दी है। एक हम बेल पत्ते भी हाथ धो के लाए थे, यहाँ पर हमने पूजा उजा करके उसके बाद मैं यहाँ पर अभी बाबू का होमवर्क करा रही हूँ। बाबू जो है अभी उठा है तो उसको मैंने बोला होमवर्क करने के लिए, तो वो होमवर्क कर रहा है। वैसे भी उस मतलब वो रात को नहीं करता ना, तो सुबह उसको फिक्र रहती है कि मुझे अभी मैंने होमवर्क नहीं किया है तो करना है, तो इसलिए वो खुद ही उठ जाता है बिना किसी को उठाए। वैसे तो उठाना पड़ता है लेकिन अब नहीं उठाना पड़ता, अपने आप उठ जाता है और अपने आप जो है होमवर्क कर लेता है। बस बोलना पड़ता है बाबू होमवर्क कर ले तो कर लेता है। तो वो अपना काम कर रहा है, मैं आगे तब तक यहाँ पर मैंने कहा चलिए अपना काम कर लेती हूँ, बाबू अपना काम कर रहा है तब तक, और जब तक थोड़ा सा होमवर्क है वो करेगा तब तक मैं यहाँ पर अपना काम करके फिर बाबू को जो है नहलाती हूँ, उसके बाद ही फिर उसको खाना पीना देती हूँ खाने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है बेडशीट बदली है और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं इनको भी मैं जो है पैक करके रख देती हूँ, कल के हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कपड़ों को जो है घड़ी करके रख देती हूँ, और कल जो है नहीं कर पाए थे, मतलब बहुत सारा संडे को जो है काम हो जाता है, उसके बाद में भी घर का काम करने के बाद में मैंने सोचा चलिए कल करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा अभी जो है फटाफट से ये भी थोड़ा सा काम रह गया ये भी करके और रख देती हूँ। फिर मैं बाबू को खाना पीना देती हूँ, उसको भी जो है अभी नहलाना धुलाना है, स्कूल जाएगा इसलिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे हरे कृष्णा।